हमारे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के बारे में मतलब कहाँ से पता चला आपको? मैम मैंने अखबार में इश्तिहार देखा था तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे फिर कंसल्ट करने आया था डॉक्टर सुनील तंवर जी से। फिर उसके बाद तकरीबन सर आपको हमारे डॉक्टर सुनील तंवर जी का मतलब नेचर या फिर व्यवहार मतलब उसका समझाने का तरीका कंसल्टेंट में आपको कैसा लगा? नहीं, उन्होंने जिस तरीके से मुझे राइनोप्लास्टी के बारे में समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैं उसके रिगार्डिंग कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा था अपनी सर्जरी के थ्रू। फिर इसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से कंसल्ट किया, फिर उनको यहाँ लेके आया, तो उसके बाद मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका था सर्जरी का। उसके बाद मतलब कि आपकी जो नोज में जो ब्लॉकेज थी वो मतलब लगभग कितने साल से थी? मतलब काफ़ी टाइम से थी। तो एक्चुअली क्या था, जैसे मौसम चेंज होता था तो नोज़ में प्रॉब्लम होती थी सांस लेने में, थोड़ा टिप डाउन था, तो उसके रिगार्डिंग तो इस सर्जरी में मैंने अपने टिप को ऊपर कराया, जैसे आप देख सकते हैं, तो नोज़ में जो आप सांस लेने की जो प्रक्रिया वो काफ़ी बेटर हो चुकी है पहले से। बाकी और जो आप जिस टिप के बारे में बोल रहे हो तो जो टिप आपकी मतलब पहले से कितनी बेटर है? मतलब आप कह सकते हो 110% बेटर है जो से पहले थी, जो मैंने देखा था अपने आप को देखता था शीशे में उसके अकॉर्डिंग 110% बेटर है। और डॉक्टर सुनील सर ने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं इम्प्रेस हूँ उनके काम से। सर हमारे जैसे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल का मतलब आपका यहाँ पे रहने की समय मतलब आपकी मतलब ट्रीटमेंट वगैरह सब कैसा लगा? नहीं सर, सब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। दो दिन में स्टे रहा था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, सारा ट्रीटमेंट फैसिलिटी सब वेल ओके थी। सर आप इसमें मतलब कि भी अगर आप अपनी द्वारा मतलब कि जैसे किसी को नहीं पता इन चीज़ों का तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे बाकी पेशेंटों को? जैसे जिसकी भी ऐसी प्रॉब्लम है, नोज ब्लॉकेज है या फिर टिप डाउन है, उसके लिए मतलब आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस ये देना चाहूँगा, अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो तो एक बार जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल आके डॉक्टर सुनील तंवर जी से कंसल्ट करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप उसके बारे में अच्छे तरीके से जान पाएंगे और आप जो भी आप कराना चाहते हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं, वो उसके साथ बेटर डिसीजन ले पाएंगे उनके साथ और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। सो हाँ सर, आप अगर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के बारे में अगर कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हो तो आप कह सकते हो? स्टार्टिंग में जब मैं सर्जरी के बारे में सोच रहा था तो एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे कहीं वीडियोस देखे थे तो थोड़ा पैनिक हुआ था, पर उसके बाद मैं तंवर जी से डिस्कस किया, डॉक्टर सुनील तंवर जी से, तो उसके बाद सारा पैनिक दूर हुआ और सर्जरी के बाद मुझे मतलब इतनी कोई दिक्कत आई नहीं, ना फैसिलिटीज़ में, ना उनसे कंसल्ट करने में, ना उनकी देख रेख में, जो भी उन्होंने किया सब अच्छा हुआ मेरे हिसाब से। और फिर उसके बाद सर्जरी के बाद जैसे मैंने अपने आप को देखा तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा मुझे अपनी टिप में भी और नोज़ सांस लेने के उसमें भी, तो ओवरऑल सब एक्चुअली बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और मैं लोगों को रिकमेंड करना भी चाहूँगा कि अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो तो आप एक बार जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल आके कंसल्ट करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अगर आप है इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आपके।